दर्शन श्री देवादि देव का दर्शन पाप विनाशन है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। श्री जिनेन्द्र के दर्शन और निर्ग्रंथ साधु के वंदन से अधिक देर अघ नहीं रहे, जल छिद्र सहित कर दर्शन श्री जिन देव सूर्य संसार तिमिर का करता नाश, बोधि प्रदाता चित्त पद्म को सकल अर्थ का करे प्रकाश। दर्शन श्री जिनेन्द्र चंद्र का सद्धर्मामृत बरसाता, जन्म दाह को करे शांत वो सुखवारिधि को तत्व के प्रतिपादक सम्यक्त्व आदि गुण के सागर। शांत दिगंबर रूप नमु देवाधिदेव तुमको जिनवर, चिदानंदमय एक रूप वंदन जिनेन्द्र परमात्मा को। हो प्रकाश परमात्म नित्य मम नमस्कार से शरण कोई न जगत में तुम ही शरण मुझको स्वामी। करुण भाव से रक्षा करिए हे जिनेश अंतर्यामी, रक्षक नहीं शरण कोई नहीं तीन जगत में दुख त्राता। वीतराग प्रभु सान देव है भुवान होगा दिन पाऊं जिनवर भक्ति, जिनवर भक्ति, जिनवर भक्ति, सदा मिले वह सदा मिले जब तक न मिले मुझको मुक्ति। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री जाते जिन दर्शन से। आज युगल द्रग हुए सफल तुम चरण कमल से, हे प्रभुवर हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू भर। हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू भर, हे त्रिलोक के आज लगता भव सागर। अभिषेक पाठ। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रियोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवि उर में धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरो, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर करूं, जल धार देकर हर्ष से
अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं। प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं, सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। बोले अंतर मुद्राओ सरोज नैन भगवान की जय हो। देखिए हम आप लोगों ने अभी प्रक्षाल पाठ किया। अभी चेतक समर थोड़ा सा समर इकड़े 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 अभी हम आप लोगों ने यहाँ बहुत सुंदर प्रक्षाल पाठ किया और अभी यहाँ के मुमुक्षु 1906 मा आ मंदिर नी स्थापना थई। आजे 2020 छे, बराबर 2020 है चल रहा है, तो लगभग आप सोचिए 114-115 साल प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की अन्य यात्रा आदि के बारे में हम आप लोग करेंगे करेंगे। हमारे यहाँ के जो सारे मुमुक्षु हैं मेरे साथ, अभी आप लोग देख सकते हैं 25-30 मुमुक्षु यहाँ लोग बैठे हुए हैं और ये सारे मुमुक्षु यहाँ से प्रक्षाल विधि और सारा विधि विधान और दोनों पूजाओं का लाभ लेंगे। यहाँ हम आप लोग अभी प्रक्षाल पाठ का लाभ लेते हैं और आप लोग सभी खड़े होंगे अपनी जगह, अपनी जगह खड़े होकर के तालियों के साथ श्री जी के प्रक्षाल का हम आप लोग लाभ लेंगे, बराबर। भाई सचिन भाई और हमारे विष्णु कुमार जी, कल जैसे मैंने कहा था, जैसे 700 मुनिराजों के ऊपर के उपसर्ग को दूर करने के लिए कोई दौड़े दौड़े आए तो विष्णु कुमार जी थे, बराबर। आज यहाँ चिखली में भी विगत 20-22-24 सालों से वे बराबर प्रक्षाल विधि पाठ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल प्रक्षाल होने के बाद जब तक अपना स्वाध्याय चला 10 बजे तक बराबर तीनों वेदियां छत्र चामर इतनी भक्ति भाव से और इतने अहो भाव से वे उसकी व्यावृत्ति कर रहे थे। हम आप लोग इस प्रक्षाल का यहाँ से लाभ ले लेते हैं। आप लोग अपने हाथ जोड़ करके यहाँ से देखिएगा, मैं जय जयकार करता हूँ। भाई सचिन भाई और विष्णु कुमार जी आप लोग प्रक्षाल की विधि प्रारंभ करें। बोले अंतर मुद्राओ सरोज नेन्द्र भगवान की जय हो। बोले अंतर मुद्राओ सरोज नेन्द्र भगवान की जय हो। जलाभिषेक ले लो। बोले अंतर मुद्राओ सरोज नेन्द्र भगवान की जय हो। सतीश कुमार जिनेन्द्र रस में घूम रहे। हाँ मैं यहाँ से अभी संक्षेप में थोड़ी सी विधि कराता हूँ प्रक्षाल पाठ, थोड़ी सी यहाँ से मैं विधि कराता हूँ। आप लोग देखिए, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जय शासनम परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिम इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिम पंच प्रभु के चरण में वंदन करो त्रिकाल निर्मल जल से कर रहा प्रतिमा का प्रक्षाल। अतः पूर्वान विदे वंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थं भाव पूजा स्तवन वंदना समेतं श्री पंचमा गुरु भक्ति पूर्वक कायोत्सर्गं करोम्यहम्। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।
बोले अंतर मुद्रा सर्व जी नहीं भगवान की जय हो। अपने हाथों में पुष्प ले हुए आप लोग, तीन लोक के कृत्रिम अकृत्रिम सारे, जिन बिंबों को नित प्रति अगणित नमन हमारे, श्री जिनवर की अंतर मुख छवि उर में धारू, जिन में निज का निज में जिन प्रतिबिंब निहारू, मैं करूं आज संकल्प शुभ जिन प्रतिमा प्रक्षाल का, यह भाव सुमन अर्पण करूं फल चाहूं गुणमाल का। ओम रीम श्री प्रक्षाल प्रतिज्ञाए पुष्पांजलि क्षिपेत। थाली के ऊपर वहां स्वस्तिक चिन्ह करिए। ओम रीम श्री स्थाल्याम स्वस्तिक चिन्हम करोमिति स्वाहा, पीठ स्थापनम करोमिति स्वाहा। श्री जी को वहां से ले ले वे, जिन प्रतिमा को जिसके ऊपर अपन प्रक्षाल की विधि कराएंगे। बोले अंतरम मुद्रा सर्वज नहीं भगवान की। भक्ति रत्न से जड़ित आज मंगल सिंहासन, वेद ज्ञान जल से क्षालित भावों का आसन, स्वागत है जिन राज तुम्हारा सिंहासन पर, हे जिन देव पधारो श्रद्धा के आसन पर, हे जिन देव पधारो श्रद्धा के आसन पर। ओम रीम श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवान सिंहासने स्थापनम। कलशों की स्थापना कीजिए, चारों तरफ स्पर्श कीजिए वहां कलशों को चेतक। ओम रीम श्री अरहम सिद्धम आचार उपाध्यायादि पंच परमेश्वरी भूतम पंच परमागम भूतम पंच मेरु समम इति कलश स्थापनम करोमिति स्वाहा। ओम रीम श्री स्नपन पीठ स्थिताय जिनाय अर्घ्यम निरोपामीति स्वाहा। कलश अपने हाथों में ले लो और यहां से जलाभिषेक किया जा रहा है। आप लोग पूरे गुजरात सौराष्ट्र जहां जहां से भी लोग जुड़े हुए हैं, बंबई से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग इस प्राचीन जिन मंदिर के अंतर्गत जो प्रक्षाल यहाँ हो रहा है, पार्श्वनाथ भगवान को विधि नायक के रूप में हम आप लोगों ने यहाँ स्थापित किया है। ओम रीम श्री स्नपन पीठ स्थिता यजनाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। मेरा गादि विभावों से कलुषित है जिनवर, और आप परिपूर्ण वीतरागी हो प्रभुवर, कैसे हो प्रक्षाल जगत के अग्रक्षालक का, क्या दरिद्र होगा पालक त्रिभुवन पालक का, भक्ति भाव के निर्मल जल से अगमल धोता है, किसका अभिषेक भ्रांत चित खाता, नाथ भक्ति वश जिन बिंबों का करूं नवन में, आज करूं साक्षात जिनेश्वर का परशन में। हाँ जलाभिषेक कीजिए। क्षीरो दधि समनीर से करो बिंब प्रचार, श्री जिनवर की भक्ति से जानू निज प्रचार, तीर्थंकर का नवन शुभ, तीर्थंकर का नवन शुभ, सुरपति करे महान, पंच मेरु भी हो गए महातीर्थ सुखदार, करता हूँ शुभ भाव से प्रतिमा का प्रक्षाल, बचो शुभाशुभ भाव से कामनाए यही कामनाए। ओम रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादिवादि परंतम चतुर्विंशति तीर्थंकरम परम देवानाम आद्यानाम आदि जम्बुद्वीपे भरत क्षेत्रे आरिकंडे चिखली नामनी नगरे मासानाम उत्तमाति उत्तम मासे उत्तमाति उत्तम कार्तिक मासे उत्तमाति उत्तम कृष्ण पक्ष उत्तमाति उत्तम इति रविवासरे उत्तम मुनि आरिगा श्राव श्राविकाणाम सकल कर्म क्षयार्थम पवित्र दर्जलेन जिनम अभिषेच्यामिति स्वाहा, जिनम अभिषेच्यामिति स्वाहा, जिनम अभिषेच्यामिति स्वाहा, जिनम अभिषेच्यामिति स्वाहा। बोले पाव परिस्थित महावीर स्वामी भगवान की।
बोले बाबा अपनी सिद्ध क्षेत्र की, दीपावली महामहोत्सव की। हाँ, कलश अब ले लीजिए और स्वच्छ धवल वस्त्र लेकर के श्री जी को वहां से लुंछन क्रिया कर लीजिए। जल जिन संस्पर्शित नीर यह गंधोदक गुणकार, मस्तक पर धारो सदा बनो स्वयं भगवान। जल फलादि वसुद्रव्य ले मैं पूजो जिन रात, हुआ बिंब अभिषेक अब पाऊं निज पद राज। ओम रीम श्री अभिषेकांते पुष्पादिवीरांते भ्यो अनिप्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्री जिनवर का धवल यश त्रिभुवन में है व्याप्त, शांति करे मम चित में हे परमेश्वर आत। पुष्पांजलि क्षिपेत जिन प्रतिमा पर अमृत सम जल कण अतिशोभित, आत्म गगन में गुण अनंत तारे विमोहित, हो अवेद का लक्ष्य भेद का करता वर्जन, वस्त्र से जल कण का करता परिमार्जन। ओम रीम श्री शुद्ध धवल वस्त्रेण परिमार्जनम करोमि ते स्वाहा। चेतनता विराजमान करा। श्री जिनवर की भक्ति से दूर होय भव पावार, उर सिंहासन था पिए प्रिय चैतन्य कुमार, प्रिय चैतन्य कुमार। जलगंधादिक द्रव्य से पूजो श्री जिनराज, पूर्ण वर्ग अर्पित करो पाओ चेतन राज, पाओ चेतन राज। ओम रीम श्री पीठस्थिजनाय अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यम निवपामि ते स्वाहा। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान की, बोले सिमंदर आदि भी सिरतंगर भगवान की, बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। चलिए हम आप लोग सभी विराजते हैं, बैठिए अपनी जगह और अभी यहाँ से प्रक्षाल स्तुति बोलेंगे हम आप लोग खूब आनंद के साथ तालियों के साथ। हम आप लोग अभी यहाँ मैंने प्रभु जी के चरण पखारे प्रारंभ करते हैं। प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, तत्क्षण ही निर्वारे, तत्क्षण ही प्रभु जी के, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। प्रासुक जल के कलश श्री जिन, प्रासुक जल के कलश श्री जिन, प्रतिमाओं पर ढारे, प्रतिमाओं पर ढारे, मैंने प्रभु जी के, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। गीत राग अरहंत देव के, गीत राग अरहंत देव के, गूंजे जय जयकारे, गूंजे जय जयकारे, मैंने प्रभु जी के, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज के स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज के स्पर्श करत ही, छ
छाए हर्ष अपारे, छाए हर्ष अपारे। मैंने प्रभु जी के, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भय सब, पावन तन मन नयन भय सब। दूर भय अंधियारे, दूर भय अंधियारे। मैंने प्रभु जी के, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने जिन जी के चरण पखारे। बोले अंतर मुद्राओ सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। बोले पावापुरी स्थित समश्रेणी में विराजमान अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। चलिए हम आप लोग प्रारंभ करते हैं पूजा पीठी का, हिंदी पूजा पीठी का हम आप लोग प्रारंभ करते हैं। जिनेन्द्र अर्चना पुस्तकें यदि आपके पास हैं तो उसमें पेज नंबर निकालिए 79 पेज नंबर है। चलिए प्रारंभ करते हैं पूजा पीठी का। पूजा पीठिका हो जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन। आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच परम परमेष्ठी प्रभु को बार बार मेरा वंदन। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पाक्षिपेत। मंगल चार चार है उत्तम, चार शरण में जाऊं मैं। मन वच काय त्रियोग पूर्वक शुद्ध भावना भाऊं। श्री अरहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल। श्री साधु मुनि मंगल है केवल कथित धर्म मंगल। श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम। साधु लोक में उत्तम है केवल कथित धर्म उत्तम। शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं। साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं। ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेत। अपवित्र हो या पवित्र जोड़ मोकार को ध्याता है। चाहे सुस्थित हो या दुस्थित पाप मुक्त हो जाता है। हो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की। परमात्म का ध्यान किए हो अंतर बाहर शुचि उनकी। हे अजेय विघ्नों का हरता प्रमोकार यह मंत्र महा। सब मंगल में प्रथम सुमंगल श्री जिनवर ने कहा। सब पापों का है क्षय कारक मंगल में सबसे पहला। नमस्कार या प्रमोकार यह मंत्र जिनागम में पहला।
पर हम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करो। सिद्ध चक्र का सद बीजाक्षर मन वच काय प्रणाम करूं। अष्ट कर्म से रहित मुक्ति लक्ष्मी के घर श्री सिद्ध नमो। सम्यक्त्वादि गुणों से संयुत तिन्हें ध्यान धर कर्म वमु। जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समूह अंत जानो। भूत शाकिनी सर्प शांत हो विष निर्विष होता मानो। शाकिनी सर्प शांत हो विष निर्विष होता मानो। पुष्पांजलिं क्षिपेत मैं प्रशस्त मंगल गानों से। युक्त जिनालय जल चंदन अक्षत प्रसून चरु। दीप धूप फल अर्घ्य सजू। ओम ह्रीं श्री भगवज्जिन सहस्र नामेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। स्यादवाद वाणी के नायक श्री जिन को मैं नमन कराए। चार अनंत चतुष्टय धारी तीन जगत के ईश मनाए। मूल संघ के सम्यक दृष्टि उनके पुण्य कमावन काज। करू जिनेश्वर भाग्य है मेरा। तीन लोक के गुरुजिन पुंगव महिमा सुंदर उदित। सहज प्रकाश मई दृग ज्योति जग जन के हित मुदित हुई। समव शरण का अद्भुत वैभव ललित प्रसन्न करी शोभा। जग जन का कल्याण करे अरुक्षेम कुशल हो मन लोभा। निर्मल बोध सुधा सम प्रकटा स्वपर विवेक करावन हार। तीन लोक में प्रथित हुआ जो वस्तु त्रिजग प्रगटावन हार। ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जगती तल का। उसकी पूजा रचूं आज मैं कर्म बोझ करने हलका। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर। करूं यथार्थ पुरुष की पूजा मन वचतन एकत्रित कर। पुरुष पुराण जिनेश्वर अरहन एकमात्र वस्तु का स्थान। उसकी केवल ज्ञान वंदि मैं करूं समस्त पुण्याभान। उसकी केवल ज्ञान वंदि मैं करूं समस्त पुण्याभान। ओम यज्ञ विधि प्रतिज्ञायै जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। स्वस्ति मंगल पाठ। ऋषभ देव कल्याण कराए अजित जिनेश्वर निर्मल थाय। स्वस्ति करे संभव जिन राय अभिनंदन के पूजो पाए। स्वस्ति करे श्री सुमति जिनेश पद्म प्रभ पद पद्म विशेष। श्री सुपार्श्व स्वस्ति के हेतु चंद्र प्रभ जन तारण सेतु। पुष्प दंत कल्याण सहाय शीतल शीतल ता प्रगटाय। श्री श्रेयास स्वस्ति के श्वेत
वासु पूज्य शिव साधन हेत। विमल नाथ पद विमल कराय, श्री अनंत आनंद बताय। धर्म नाथ शिव शर्म कराय, शांति विश्व में शांति कराय। कुंथ और अर्जिन सुख रास, शिव मग में मंगल मय आश। मल्ली और मुनि सुव्रत देव, सकल कर्म क्षय कारण एव। श्री नमी और नेमि जिन राज, करे सुमंगल मय सब काज। पार्श्वनाथ देवी समीश, महावीर बंधो जगदीश। ये सब चौबीसो महाराज, करे भव्य जन मंगल काज। मैं आयो पूजन के काज, राखो श्री जिन मेरी लाज। राखो श्री जिन मेरी लाज, राखो श्री जिन मेरी लाज। पुष्पांजलिं क्षिपेत। बोले चौबीसों भगवान की जय हो। बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार हम आप लोगों ने अभी यहाँ पूजा पीठिका संपन्न की। आगे हम आप लोग देवशास्त्र गुरु भगवान और विदेह क्षेत्र में विद्यमान वीर तीर्थंकर भगवान और सिद्धिशिला पे विराजमान अनंतानंत सिद्ध परमेश भगवान, इन तीनों के लिए एक समुच्चय अर्घ्य यहाँ से समर्पित करते हैं। जिनेन्द्र अर्चना यदि आपके पास होवे तो आप लोग निकाल के रख सकते हैं। 98 देखिए स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ अभी स्क्रॉल हो रहा है। 98 पेज के ऊपर इनों के लिए समुच्चय सबसे पहले हम आप लोग अर्घ लेते हैं। बोले देवशास्त्र भगवान की, बोले विद्यमान विंशति तीर्थंकर भगवान की, बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। अष्टम वसुधा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ए अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को द्याओ। विद्यमान श्री विशतिथंकर प्रभु के गुण गा। ओम श्री देवशास्त्रभ्यो विद्यमान विशति तदंग्रभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरभ्यो अनर्घ्यम प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चलिए विगत चार दिनों से हम आप लोग महावीर पंच कल्याणक विधान संपन्न कर रहे हैं। आज अपना पांचवा दिन है, तो आज पंचम मोक्ष कल्याणक की भी पूजा हम आप लोग आगे लेंगे। लेकिन सबसे पहले विधान के अंतर्गत मंगलाचरण यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबके स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, जहां जहां भी आप लोग बैठे हो और आपकी सुविधा के अनुसार ये आपके सामने प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। महावीर पंच कल्याणक विधान प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण। बोले महावीर पंच कल्याणक विधान की जय हो। मंगलम सिद्ध परमेश्वरी, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम शुद्ध चैतन्यम, आत्मधर्मोस्तु मंगलम। मंगलम वर्धमानाय, मंगलम गौतम सुऋषि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, महामुनिवर मंगलम, महामुनिवर मंगलम। मेरे साथ अभी जो 25-30 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वे सभी भाव से यहाँ जिन मंदिर में तीन लोग के नाथ जिनेंद्र भगवंतों के चरणों में बैठ करके ही आराधना कर रहे हैं,
हाँ, किसी का कैसा योग, किसी का कैसा योग, ये सब उदय की विचित्रताएं हैं। और उदय की विचित्रताओं के साथ भी एक ज्ञायक भाव को हमें नहीं भूलना है। इसी मंगल भावना के साथ प्रारंभ करते हैं। मंगल पंच परम गुरु जिन प्रतिमा जिन धाम, जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्री जिन धर्म प्रणाम। वीत राग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम, गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम, जैन धर्म सार्व धर्म विश्व धर्म मंगलम, वस्तु का स्वभाव अनाद्य अनंत मंगलम, महावीर तीरतेश अंतिम जिन मंगलम, ध्यान रूप ध्यान रूप श्री जिनेन्द्र मंगलम, वस्तु का स्वभाव ही अनाद्य अनंत मंगलम, सर्व सिद्ध अरहंत भगवंत मंगलम, सर्व आचार्य उपाध्याय साधु मंगलम, सर्व जिन चैत चैत्यालय मंगलम, सर्वज्ञ मंगलम, आत्म कल्याण पुरुषार्थ भव्य मंगलम, आत्म तत्व प्राप्ति का उपाय श्रेष्ठ मंगलम, श्री कुंद कुंद आचार्य देव मंगलम, ज्ञान ध्यान पूर्ण वैराग्य भाव मंगलम, श्री महावीर पंच कल्याणक मंगलम, पंच कल्याणक विधान पूज मंगलम, पंच कल्याणक विधान पूज मंगलम। पुष्पांजलिम क्षिपेत चलिए समुच्चय पूजन का हम आप लोग अर्घ्य यहाँ समर्पित करते हैं। आंखें बंद करके हम आप लोग भावों से पावापुरी सिद्ध क्षेत्र पहुंचने के प्रयत्न करते हैं। जैसे हम आप लोग बोलते हैं साक्षात तो नहीं जा सकते हैं इन दिनों, लेकिन भावों से तो उस भूमि का हम आप लोग स्पर्श कर ही सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। बोले पावापुरी सिद्ध क्षेत्र की, सिद्ध क्षेत्र से समश्रेणी में विराजमान अनंतानंद सिद्ध परमेश भगवान की जय हो। पावापुर पावन भू पर अंतिम निज ध्यान लगाओ, समश्रेणी में ऊपर जा पदवी अनर्घ्य निज पाओ, पूजो पाछो कल्याणक श्री महावीर जिनवर के, गुण गाओ बहु हर्षित हो नित अंतिम तीर्थंकर के, अरहंतों का ध्यान लगा लो अरहंतों का, सब सिद्धों का ध्यान लगा लो सब सिद्धों का ध्यान लगा लो, उपाध्याय से शिक्षा ले लो उपाध्याय से, आचार्यों से दीक्षा ले लो आचार्यों से, भेष दिगंबर धारण कर लो भेष दिगंबर, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। ओम रीम श्री पंच कल्याण विभूषि श्री महावीरेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरोपामी ते स्वाहा। मैं सूरत वालों से पूछना चाहता हूँ, बड़ौदा
के मुमुक्षुओं से पूछना चाहता हूँ, राजकोट के सैकड़ों मुमुक्षुओं से पूछना चाहता हूँ, यहाँ मेरे साथ 25-30 मुमुक्षु लोग सारा समाज बैठा हुए और आप लोग अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार जनों के साथ बैठे हैं और तीन लोग के साथ तो हमारे सामने विराजमान है ही, ये परिकल्पना न भूतो और न भविष्यति, बस केवल भावों का खेल है, जैन धर्म और कुछ नहीं है, जैन धर्म केवल अभिप्राय और भावों का ही खेल है और भावों से ही धर्म की भावना भाई जा सकती है। चलिए बिना किसी विलंब के हम आप लोग आगे बढ़ते हैं, मोक्ष कल्याणक की पूजा प्रारंभ करेंगे और आपके सामने अभी प्रस्तुत है मोक्ष कल्याणक की पूजा। चलिए प्रारंभ करते हैं भक्ति गीत के साथ। यहाँ मेरे साथ जो बैठे हुए हैं सारे मुमुक्षु लोग बराबर अपने साथ ही पूजा में जुड़े हुए हैं, शायद उनकी आवाज भी आप सबके साथ पहुंच रही होगी, उनके साथ साथ आप लोग भी भक्ति गीतों के साथ दोहराते हुए आनंद के साथ हम आप लोग पूजन प्रारंभ करते हैं। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, सिद्धों के दरबार में, अरहंतों के दरबार में, सिद्धों के दरबार में, अरहंतों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान। महामोक्ष कल्याण की महिमा परम्पार, महावीर प्रभु हो गए भवसागर के पार, मावस कार्तिक कृष्ण की हुआ मोक्ष कल्याण, धन्य धन्य यह जग हुआ गाए मंगल गान, आयु 72 वर्ष में पाया पद निर्वाण, भव्य हुई दीपावली जय 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 भगवान, सिद्धों के दरबार में अरहंतों के भगवान में, सिद्धों के दरबार में अरहंतों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, सिद्धों के दरबार में। उत्तम निर्मल आत्म ज्ञान हो प्रभु, शिव सौख्य हो वे सदा, मिट जाए अज्ञान भाव मेरा, दुख हो नहीं उर कदा, अवसर पाकर करूं ज्ञान अपना, शिव मार्ग को प्राप्त हो, अंतर में हो परम शांति स्वामी, अनुभव स्वरस व्याप्त हो। ओम रीम श्री मोक्ष कल्याण विभूषि श्री महाविजनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संश्रावाननम्। ओम रीम श्री मोक्ष कल्याण विभूषि श्री महाविजनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ रटयति स्वस्थापनम्। ओम रीम श्री मोक्ष कल्याण विभूषि श्री महाविजनेन्द्र अत्र मम सनीतो भोभव षट सनिधिकरणम् परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। क्या बैठा छो आप सब बदा, कहाँ बैठे हो आप लोग? हाँ, हमारे कमलेश कुमार बोल रहे हैं कि हमारे घरों में बैठे, पावापुरी में। हाँ, पावापुरी में बैठे हैं, बराबर। चलिए भक्ति गीत के साथ हम आप लोग पूजन प्रारंभ करते हैं। तुम पावापुर को जइयो अरु महावीर से कहियो, तुम पावापुर को जइयो अरु महावीर से कहियो, बुलवा लो अपने पास, उमरिया रह गई थोड़ी,
बुलवा लो अपने पास, उम्र आ रह गई थोड़ी, उम्र आ रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी, उम्र आ रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी, बुलवा लो अपने पास, उम्र आ रह गई थोड़ी, बुलवा लो अपने पास, उम्र आ रह गई थोड़ी, जल लाओ सिद्ध स्वभावी, त्रय रोग नाश करने को, जन्मादि रोग की पीड़ा आओ प्रभु हरने को, मैं मोक्ष कल्याण मनाओ, श्री महावीर स्वामी का जय गान करो त्रिभुवन, पति जिन वर अंतरया। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याण विभूष श्री महावीजनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामीति स्वाहा। चंदन हो सिद्ध स्वभावी, भव ताप नाश करने को, भव ज्वर संपूर्ण विनाशो, मैं सर्वताप हरने को, मैं मोक्ष कल्याण मनाओ, श्री महावीर स्वामी का जय गान करो त्रिभुवन, पति जिन वर जंतरयामी। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याण विभूष श्री महावीजनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामीति। अक्षत स्वभाव के चरुहि, उत्तम धवलो जल लाओ, अक्षय पद निज प्रगटाओ, परमात्म परम पद पाऊ, मैं मोक्ष कल्याण मनाओ, श्री महावीर स्वामी का जय गान करो त्रिभुवन, पति जिन वर। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याण विभूष श्री महावीजनेन्द्राय अक्षत प्राप्ते अक्षता निरुपामीति स्वाहा। निज पुष्प शील मय लाओ, कामाग्नि बुझा के स्वामी, 84 लाख शील गुण प्रगटाओ, अंतर्यामी का मैं मोक्ष कल्याण मनाओ, श्री महावीर स्वामी का जय गान करो त्रिभुवन, पति जिन वर अंतर। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याण विभूष श्री महावीजनेन्द्राय काम्बानुद्धनाय पुष्पम निरुपामीति स्वाहा। निज अनुभव रसमय चरु की, महिमा से शोभित हो, पद निराहार निज पाओ, चिर क्षुदा व्याधि में को, मैं मोक्ष कल्याण मनाओ, श्री महावीर स्वामी का जय गान करो त्रिभुवन, पति जिन वर। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याण विभूष श्री महावीजनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामीति स्वाहा। निज ज्ञान ज्योतिमय दीपक, अंतर में हे प्रभु लाओ, मोहाग्नि बुझाओ स्वामी, कैवल्य ज्ञान निधि पाओ, मैं मोक्ष कल्याण मनाओ, श्री महावीर स्वामी का जय गान करो त्रिभुवन, पति जिन वर अंतर। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याण विभूष श्री महावीजनेन्द्राय मोहांकार विनाशनाय दीपम निरुपामीति स्वाहा।
सिद्धो समबनने कोई निज धूप ध्यान मैलाओ वस कर्म जाल की जाला निज बल से नाथ बुझाओ मैं मोक्ष कल्याण मनाओ मैं ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याण विभूष श्री महाविजनेन्द्राय अष्टकर्मदानाय धूपं निरूपामि ते स्वाहा निज आत्मज्ञान फल अनुपम ध्रुव मोक्ष महाफल पाओ फिर साधि अनंत काल तक शाश्वत आनंद उठाओ मैं मोक्ष कल्याण मनाओ श्री महावीर जय गान करो त्रिभुवन पति जिन वर अंतर्यामी ओम रीम श्री मोक्ष कल्याण विभूष श्री महाविजनेन्द्राय मोक्ष प्राप्त फलम निरूपामी ते स्वाहा हरियावली चरण चढ़ाओ निज शुद्ध भाव की पावन पदवी अनग प्रभु पाओ जो है मुनिवर मन भावन मैं मोक्ष कल्याण मनाओ श्री महावीर स्वामी का जय गान करो पन पति जिन वर अंतर आमी का ओम श्री मोक्ष कल्याण विभूष श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्य प्राप्त अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा जय माला वर्णन करो परम मोक्ष कल्याण निज स्वरूप की कृपा से पाओ मोक्ष कल्याण पाओ मोक्ष कल्याण मोक्ष प्राप्त करने की सारी विधि प्रभु ने झट की संपूर्ण एक समय में त्रिलोकाग्र पाया त्रैकालिक सुख आपूर्ण पहले योग भाव किया फिर प्रकृति बहतर कर दीना अंतिम समय नाश तेरा भी पाया उत्तम मोक्ष प्रकाश उच्चारण में लगता है काल उतने में सब क्रिया पूर्ण कर पाया निज पद महाविशाल सिद्ध चक्र में हुए विराजित एक समय में ही सत्व साधि अनंतानंत काल तक आप रहेंगे अजराम लाख 84 उत्तर गुण के संग पाए गुण सर्व अनंत नित्य निरंजन पद प्रगटाया काल अनादि अनंतानंद भव रज धोई निज पद पाया तथा हो गए सिद्ध महन महान रक्षक महामहिम त्रिभुवन भगवन तन कपूरवत उड़ा मात्र नख केश रहे इस धरती पर समश्रेणी में नाथ विराजे आनंदामृत वर्षा कर प्रभु तन माया मई रचा दे ओने विनय सहित तत्क्षण असुर कुमार सुरों ने टुकुटा नल से भस्म किया प्रभु तन की भस्मी सब ने निज निज मस्तक पर धारी जय हो महावीर स्वामी की जय ध्वनि पावन उच्चारी हमने भी प्रभु को वंदन कर
आत्मशक्ति पाई पावन महामोक्ष कल्याण मनाया सारे जग को मन भावन महावीर के चरण कमल में महावीर के सब सिद्धों का ध्यान लगा लो सब सिद्धों का भक्ति पाऊं अपारा रोम रोम से निकले प्रभु राम तुम्हारा आराम तुम्हारा आनाम ले प्रभु नाम तुम्हारा आनाम तुम्हारा ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याणक विभूषि श्री महाविजनेन्द्राय जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामी ते पूर्ण अर्घ्य अर्पण करो पूजो मोक्ष कल्याण मैं भी पाऊं मोक्ष प्रभु पाऊं सौख्य पुष्पांजलि क्षिपेत। देखिए हम आप लोगों ने पंच कल्याणक से संबंधित यहाँ पूजा अभी समर्पित की है और गर्भ कल्याणक की पूजा के समय हम आप लोगों ने भावना ये भाई थी मैं फिर कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं आऊं। जन्म कल्याणक की पूजा में ये भावना भाई थी ये मेरा अंतिम जन्म हो फिर मैं कभी जन्म धारण नहीं करूं। दीक्षा कल्याणक की पूजा के समय में महावीर स्वामी की दीक्षा की भावना भाते भाते हम आप लोगों ने भावना भाई हे प्रभु मुझे भी दीक्षा लेने के भाव हो बराबर। और केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा के समय केवल ज्ञान की परिपूर्णता होवे ऐसी भावना भाई। आज मोक्ष कल्याणक की पूजा के समय हम आप लोग परम मुक्ति हम आप सभी को प्राप्त होवे ऐसी मंगल भावना भा रहे हैं। और महापुरुषों की भाषा में यदि कहा जाए कि चैतन्य में चैतन्य की भावना होवे तो भावना प्रतिफलित हुए बिना नहीं रहे और यदि न होवे तो 14 ब्रह्मांड को भी शून्य होना पड़े। सच्ची भावना भाते हैं तो भावना सफल होती है और होती ही है बराबर। भावना मुक्ति पंथिनी भावना भवनाशिनी इसलिए हमेशा हमें श्रेष्ठ भावना ऐसी भानी ही चाहिए। एक अंतिम अर्घ्य छोटा सा अर्घ्य इसमें से हम आप लोग ले लेते हैं। श्री वर्धमान प्रभु को मैं नित्य ध्याओ आनंद सिंधु पावन में ही समाओ निज आत्म तत्व का ही श्रद्धा नभाओ परिपूर्ण ज्ञान सागर मैं शीघ्र। ओम ह्रीं श्री गर्भ जन्म तपो ज्ञान मोक्ष कल्याण विभूषि श्री महावीजनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामी ते स्वाहा। समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। हम आप लोग जो इस आयोजन के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं सीधा हम आप लोग जिनेन्द्र अर्चना के अंतर्गत दीपावली पूजा निकाल लेते हैं और दीपावली पूजा के साथ हम आप लोग दीप मालिका पर्व पूजन आदरणीय कवि हृदय अव्या जी के द्वारा लिखी गई अद्भुत पूजा है। हम आप लोग सभी लोग स्थापना के लिए खड़े होंगे और पूरे आनंद के साथ भक्ति के साथ हम आप लोग यहाँ पूजा करते हैं। स्थापना हम आप लोग करेंगे सभी लोग आप खड़े हों। महावीर निर्वाण दिवस पर महावीर पूजन कर लो वर्धमान अति वीर सन्मति प्रभु को वंदन मैं कर लो पावापुर से मोक्ष गए प्रभु जिनवर पद अर्चन कर लो जगमग जगमग दिव्य ज्योति से धन्य मुन बन कर लो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को शुद्ध भाव मन में भर लो मालिका पर्व मनाओ भव भव के बंधन हर लो
सूर्य का चिर प्रकाश ले रत्न त्रय पथ पर बढ़ लो पर भावों का ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायां मोक्ष मंगल प्राप्त श्री वर्धमान आंजनेन्द्र अत्र अवतर अवत संश्रावाननम ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायां मोक्ष मंगल प्राप्त श्री वर्धमान आंजनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ टटति स्वस्थापनम ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायां मोक्ष मंगल प्राप्त श्री वर्धमान आंजनेन्द्र अत्र मम सन्नीतो भव भव सन्निधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपेत चिदानंद चैतन्य अनाकुल निज स्वभाव मयम जल भर लो जन्म मरण का चक्र मिटाओ भव भव की पीड़ार लो दीपावली के पुण्य दिवस पर वर्धमान पूजन कर लो महावीर अति वीर वीर सन्मति प्रभु को वंदन ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायां मोक्ष मंगल प्राप्ते श्री वर्धमान आंजनेन्द्राय जन्म जरामृत विनाशनाय जलम निरुपामीति अमल अखंड अतुल अविनाशी निज चंदन उर में भर लो चारो गति का ताप मिटाओ दीपावली के पुण्य दिवस पर मानव पूजा कर लो महावीर अति वीर सन्मति प्रभु को वंदन कर लो ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान आंजनेन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामीति स्वाहा अजर अमर अक्षय अविकल अनुपम अक्षत पद उर धर लो भव सागर तर मुक्ति में पावन परिणय कर लो आवली के पुण्य दिवस पर ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायां मोक्ष मंगल मंडिताय अक्षय प्राप्ते अक्षता निरुपामीति स्वाहा रूप गंध रस स्पर्श रहित निज शुद्ध पुष्प मन में भर लो काम बाण की व्यथा नाश कर मैंने काम रूप धर लो दीपावली के पुण्य दिवस पर पान पूजन कर लो अति वीर वीर सन्मति प्रभु को वंदन कर लो ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान आंजनेन्द्राय कामानुदर्शनाय पुष्पम निरुपामीति स्वाहा आत्मशक्ति परिपूर्ण शुद्ध नैवेद्य भाव उर में भर लो चिर तृप्ति का रोग नाश कर दीपावली के ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान आंजनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामीति पूर्ण ज्ञान कैवल्य प्राप्ति हित ज्ञान दीप ज्योतित कर लो मिथ्या ब्रह्म तम मोह नाश कर निज सम्यक प्राप्त दीपावली के पुण्य दिवस पर वर्धमान पूजन कर लो महावीर गति प्रभु को वंदन कर लो
ओम रे श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीजनेन्द्राय वर्धमानजनेन्द्राय मोहांकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। पुण्य भाव की धूप जला कर गाती अनाथ सी अरे लो क्रोध मान मा क्या लो बादी मोह द्रोह सब कर। दीपावली के पुण्य दिवस पर वर्धमान ओम रे श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्याय मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमानजनेन्द्राय अष्टकर्म दानाय धूपं निरूपामीति। अमित अनंत अचल अविनाश्वर श्रेष्ठ मोक्ष पद उरधरनु स्वगुण से युक्त सिद्ध गति पाले तत्व प्राप्त करनु। दीपावली के पुण्य दिवस पर ओम रीम श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्याय मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामीति। गुण अनंत प्रगटाओ अपने निज अनर्य पद को शुद्ध स्वभावी ज्ञान प्रभावी निज सौंदर्य प्रकट कर लो। दीपावली के पुण्य दिवस पर वर्धमान पूजन कर लो महावीर। ओम रे श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्याय मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमान स्वामी जिनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। देखिए आगे पंच कल्याणकों से संबंधित अर्घ्य हम आप लोग प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत जब हम आप लोग मोक्ष कल्याणक का अर्घ्य लेंगे समर्पित करेंगे तब हम आप लोग निर्वाण लाड़ू जो यहाँ तैयार किए हैं हमारे मुमुक्षु भाई वे यहाँ समर्पित करेंगे। आप लोग जहां जहां भी बैठे हो देश के कोने कोने में आप लोग अपनी भावना वहां से समर्पित कीजिए। शुभ आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को पुष्पोत्तर तज प्रभु आए माता त्रिशला धन्य हो गई सोलह सपने दर्शाए। पंद्रह मास रत बरसे कुंडलपुर में आनंद हुआ। वर्धमान कर वो सब पर दूर शोक दुख दंत। ओम श्री आषाढ़ शुक्ल षष्ठ्यां गर्भ मंगल प्राप्ताय श्री वर्धमानजनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चैत्र शुक्ल की सी सारी जगती धन्य हुई। नृप सिद्धार्थ राज हर्षाये कुंडलपुरी अनन्य हुई। मेरु सुदर्शन नृत्यवाद मंगल गीतों के द्वारा किया हर्ष। ओम रीम श्री चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम जन्म मंगल प्राप्त श्री वर्धमानजनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। मग शिर कृष्णा दशमी कोर में छाया वैराग्य अपार। लोकांतिक देवों के द्वारा अन्य प्रभु जय जय काल ब्रह्मचारी गुणधारी वीर प्रभु ने किया प्रयाण। वन में जाकर ओम रीम श्री मार्ग शीर्ष कृष्ण दशम्याम
तपो मंगल मंडिताय श्री वर्धमांजनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। द्वादश वर्ष तपस्या करके पाया तुमने केवल ज्ञान, वैसा शुक्ल दशमी को 63 कर्म प्रकृति अवसार, सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को युगपत एक समय में जान, वर्धमान सर्वज्ञ हुए ओम श्री श्री वैशाख शुक्ल दशम्याम ज्ञान मंगल मंडिताय श्री वर्धमांजनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। आप लोग जहां भी बैठे हो अपनी अपनी जगह सभी लोग खड़े हो। अभी यहाँ निर्वाण कल्याणक का अर्घ्य यहाँ से बोलेंगे और यहाँ के जो मुमुक्षु हैं वे चेतन निर्वाण लाडू श्री जी के चरणों में समर्पित करेंगे। उस दृश्य को हम यहाँ से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और अभी आप लोग पहले तो अर्घ्य बोलेंगे, उसके बाद यहाँ से जयकारा करते करते हम आप सभी साधर में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। दोनों बाजू बाजू में खड़े हो। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को वर्धमान प्रभु मुक्त हुए, सादि अनंत समाधि प्राप्त कर मुक्ति रमा से युक्त हुए, अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा कर लगातिया कावसान, शेष प्रकृति 85 को भी क्षय करके पाया निर्वाण। चेतन और पास में आ जाओ, और पास में जाओ। ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायाम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वर्धमांजनेन्द्राय निर्वाण कल्याण प्राप्तये अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। बोले निर्वाण कल्याणक महामहो सौ की जय हो। बोले निर्वाण कल्याणक महामहो सौ की जय हो। बोले पापरी सिद्ध क्षेत्र की, बोले पापरी सिद्ध क्षेत्र की जय हो, जय हो, जय हो भगवान की। बैठ जाए सभी। चलिए जय माला हम आप लोग प्रारंभ करते हैं। महावीर ने पावापुर से मोक्ष लक्ष्मी पाई थी, इंद्र सुरों ने हर्षित होकर दीपावली मनाई थी, केवल ज्ञान प्राप्त हो पर 30 वर्ष तक किया विहार, कोटि कोटि जीवों का प्रभु ने देव उपदेश देश किया उपकार, पावापुर उद्यान पधारे योग निरोध किया, गुण स्थान 14 को तज कर पहुंचे भव समुद्र के पार, सिद्ध शिला पर हुए विराजित मिली मोक्ष लक्ष्मी के, जल थल नभ में देवों द्वारा गूंज उठी प्रभु की जयकार, इंद्रादिक सुर हर्षित आए मन में धारे मोद अपार, महामोक्ष कल्याण मनाया अखिल विश्व को मंगलकार, अष्टादश गण राज्यों के राजाओं ने जयगान किया,
नतमस्तक हो कर जन जन ने तन कपूरवत उड़ा शेष नक केश रहे सभूतल पर माया मई शरीर रचा देव ने क्षण पर के भीतर अग्नि कुमार सुरों ने झुक मुकुटानल से तन भस्म किया सर्व उपस्थित जन समूह सुरगण ने पुण्य अपार लिया कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिवस मनोहर सुख करता उषा काल का उजियारा कुछ रत्न ज्योतियों का प्रकाश कर देवों ने मंगल गाए रत्न दीप की आवलियों से पर्व दीप माला लाए सबने शीश चढ़ाई भस्मे पद्म सरोवर बनावा वही भूमि है अनुपम सुंदर जल मंदिर है बनावा प्रभु के ग्यारह गणधर में थे प्रमुख श्री गौतम गणधर टपक श्रेणी चढ़ शुक्ल ध्यान से इसी दिवस गौतम स्वामी को संध्या केवल ज्ञान हुआ केवल ज्ञान लक्ष्मी पाई पद सर्वज्ञ महान हुआ देवों ने अति हर्षित होकर रत्न ज्योति का किया प्रकार हुई दीप माला द्विगुणित आनंद हुआ प्रभु के चरणांबुज दर्शन कर हो जाता है अंतिम तीर्थंकर जिन राज विश्व नामी मेरी केवल एक विनय है मोक्ष लक्ष्मी मुझे मिले भौतिक लक्ष्मी के चक्कर में मेरी श्रद्धा नहीं ले भव भव जन्म मरण के चक्कर आज अपूर्व मिला है चरण आपकी पाई है वेद ज्ञान की बात सुनी है तो निज की सुधि आई है अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मोक्ष नहीं पाऊं तो आशीर्वाद हे स्वामी मंगल। श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्यायां निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री वर्धमानजनेन्द्राय पूर्णार्घ्यं निरोपामीति दीपमालिका पर्व पर महावीर उर्धार भाव सहित जो पूजते पाते सौख्य अपार पुष्पांजलि क्षिपेत। अब हम आप लोग एक छोटा सा आरग लेंगे निर्वाण क्षेत्र पूजन जो है जिनेन्द्र अर्चना में पूजन क्रमांक 211 है पूजन पेज नंबर 211 212 पेज पे इसका आरग लिखा हुआ है सारे सिद्ध क्षेत्रों को सारे अतिशय क्षेत्रों को निर्वाण भूमियों को हम आप लोग
और वहां के सम श्रेणी में विराजमान सभी सिद्धों को एक साथ अर्घ्य यहाँ से समर्पित करते हैं। जल गंध अक्षत फूल चरु फल दीप दूपायन धरो ध्यानत करो निर्भय जगत सो जोर कर विनती करो सम्मेद गढ़ गिरनार चंपा पावापुरी कैलास को पूजो सदा चौबीस चिन्ह निर्वाण भूमि। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्रेभ्यो अनर्घ्यं प्राप्ते अर्घ्यं निरुपामि इति स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की। जहां हम लोग बैठे हैं अभी यहां के मुमुक्षुओं के साथ मूल नायक आदिनाथ भगवान है और विदेह क्षेत्र के आदिनाथ कौन कहलाते हैं खबर से बधाई ने? हाँ सिमंदर भगवान। तो आदिनाथ भगवान के लिए हम आप लोग अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं तो अपने यहाँ के मूल नायक सिमंदर भगवान को भी अर्घ्य समर्पित हो ही जाएगा क्योंकि उनका नाम वहां वृषभ देव भी माना जाता है। वृषभ देव आदिनाथ जो भी चुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ के जाओ बच काहे करुणा निधि भव दुख में तो याते मैं पूजो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय श्रीमंदर जिनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामि इति। देखिए आज जो निर्वाण लाडू यहाँ से हम आप लोगों ने सभी मुमुक्षुओं ने यहाँ चिखली गांव के अंतर्गत सभी मुमुक्षुओं ने प्रत्यक्ष और आप लोग हर जगह जहां भी बैठे हो गुजरात प्रांत के जितने जो भी मुमुक्षु हैं परोक्ष रूप से वहां से आप लोगों ने जिनेन्द्र भगवंतों के चरणों में निर्वाण लाडू यहाँ अभी समर्पित की है। अखंड अनंत गुणों का अखंड पिंड ऐसा भगवान आत्मा हम आप सभी को प्राप्त हो ऐसी मंगलमय भावना आज के दिन हम आप सभी को भानी चाहिए। आज यहाँ जो निर्वाण लाडू चढ़ाया गया उसके लिए मीताबेन दिलीप भाई शाह राजकोट वालों ने यहाँ चिकली जिन मंदिर के लिए 501 की दान राशि लिखवाई है यहाँ के मुमुक्षुओं की तरफ से मैं उनका आभार यहाँ प्रदर्शित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं महाअर्घ्य के क्रम में हम आप लोग महाअर्घ्य लेते हैं और यहाँ जो आप लोगों के लिए सहक्षेपित किया जाएगा उसके साथ सारे मुमुक्षु बोलेंगे कई वेदियों के साथ पूरे भारत भर के कई जिनेन्द्र भगवंतों की जिन छवियों के साथ दर्शन के साथ हम आप लोग महाअर्घ्य प्रारंभ करते हैं। महाअर्घ्य मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य श्री उवझाय पूजो साधु पूजो भावसो अरहंत भाषित वैन पूजो द्वादशांग रची गनी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशाहनी सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया मैं पूजो सदा जजि भावना षोडश रत्न त्रय जा बिना शिव नहीं कदा त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजो पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय खचार सुर पूजित भजू कैलाश श्री सम्मेद गिर गिर नार मैं पूजू सदा चंपापुरी पावापुरी पुनियोर तीर्थ शर्मदा चौबीस श्री जिन राज पूजो बीस क्षेत्र विदेह के नामावली एक सहस वसु जय होय पति शिव गेह के होय पति शिव गेह के
जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय सर्व पूज्य पद पूजहु बहुविधि भक्ति बढ़ाय। ओम रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिनवाणिभ्यो उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम जिन चैत्यालयेभ्यो पंचमेरो असीति चैत्यालयेभ्यो नंदीश्वर द्वीपस्थ द्विपंचाशत जिनालयेभ्यो श्री सम्मेत शिखर गिरनार गिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो विदेह क्षेत्रस्थ सीमंधरादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो वृषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवज्जिन सहस्राष्टनामेभ्योश्च अनर्घ्य पद प्राप्तये महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे हम सारी खेल लघु पुरुष कैसे यथा विधि मंगल करन आशा भरन जिन पूजा सही यह चित में श्रद्धानु मेरे शक्ति है स्वयं में ही तुम सारी खेदातार पाए काज लघु जाचू कहाँ मुझ आप सम कर ले हु स्वामी यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो तिस दाह तै आकुलित चिर तै शांति थन शिव लहूं तब लो देह यह नर पावना सत्संग सुता चरण सुत अभ्यास आत्म भावना तुम बिन अनंतानंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में कर प्रमाण के मानते गगन न पैकी भंत त्यों पावे नहीं अंत। पुष्पांजलि क्षिपेत
ज्ञान तो ज्ञान तो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया तत्सर्वं पूर्णमेवासु त्वत्प्रसादा जिनेश्वर आह्वानं नैव जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं नैव जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु जैनं जयतु। एक दो और घोषणाएं यहाँ अभी करनी बाकी है। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का नामस्मरण करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र का यहाँ से नामस्मरण की क्लिप बजाई जाएगी। सभी एक साथ आप लोग नमोकार मंत्र का नामस्मरण करेंगे। पंच परमेश्वर जी का स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम णमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम णमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम णमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम णमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम णमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम णमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। बोले अंतर मुद्राम सर्वजनेन्द्र भगवान की। बोले दीपावली महामहोत्सव की। बोले महापरी सिद्ध क्षेत्र की। महापरी सिद्ध क्षेत्र से समश्रेणी में विराजमान अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवान की। आप लोग सभी बैठिए, यहाँ के मुमुक्षु 2 मिनट बैठिए आप लोग। चलिए, यहाँ राजकोट मुमुक्षुओं के लिए सूचना, पूजा का कार्यक्रम यहाँ पूरा होता है। आपको चिकली जिन मंदिर के जो दर्शन है, ये आज गुरुदेव श्री के प्रवचन के बाद, अपने स्वाध्याय के बाद, जब अपन लोग पावापुरी की मंगल यात्रा करने वाले हैं, उस मंगल यात्रा के साथ ही हम यहाँ से 5-7 मिनट के लिए आपको यहाँ के जिन मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। अभी का समय पूरा हुआ है, अब आगे अपन लोग समय सार स्तुति के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग निर्वाण कांड भाषा निकालिए, 214 पेज 214। समय सार स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो ढालवा करुणा करे सरिता